जी आज के नॉमिनेशन फॉर्म के हवाले से जो आज जी ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसीजर है। कैंडिडेट्स आते हैं, फॉर्म भरते हैं। मैंने भी फाइल पेपर्स के फ्रॉम जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, मैंने भी फाइल नॉमिनेशन पेपर्स के। अब लोगों से अपील करेंगे, लोगों से इस्तेदा करेंगे कि वो परफॉर्मेंस देख के पीडीपी की और मेरी, खासकर अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पुरानी रही है, उसको सामने रख के चुन ले जो बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट लोगों को लगेगा उसको नुमाइंदा बन के। नहीं देखिए चैलेंज के बगैर कोई इलेक्शन होता नहीं है। हर इलेक्शन एक चैलेंज है, ये फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। चैलेंज है मगर इंशाल्लाह अल्लाह के करम से मुझे लगता है, चूंकि साउथ कश्मीर जिसको गढ़ माना जाता था पीडीपी, मुझे लगता है अब की बारी इंशाल्लाह वो जो परफॉर्मेंस है पीडीपी की वो साउथ कश्मीर में रिपीट होगी और उसका असर सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में ज़रूर होगा। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे आ गए हैं, अलायंस है, कितनी बड़ी ताकत ये है और ये भी बताइए क्या पीडीपी को थ्रेट है इस अलायंस का? देखिए अलायंस ताकत है कि नहीं वो तो लोग परखेंगे, वो तो हम नहीं परखेंगे। कौन सी ज़्यादा ताकतवर है, पीडीपी है कि अलायंस है, वो लोग देखेंगे। मगर जहाँ तक मेरा मानना है, ये अलायंस तब पॉसिबल होता है जब कॉम्प्रोमाइज़ हों। तो कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं तभी ये अलायंस। जब मैं कॉम्प्रोमाइज़ कहता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर की उमूमन और कश्मीर के लोगों की खुसूसन, उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ न किया गया हो, क्योंकि कश्मीरी लोग जो हैं वो एक दलदल में फंसे हुए हैं, एक मुसीबत में फंसे हुए हैं। उन पे कानूनी और आईनी ऑनस्लॉट जो हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो ऑनस्लॉट है, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते हैं। तो पीडीपी वाहिद जमात है जो कश्मीरियों के जज्बात के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, कश्मीरियों के एहसासात के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। इसीलिए आपको लगता है कि अलायंसेस हो रही हैं और पीडीपी को उस अलायंस में शामिल नहीं है, क्योंकि हम कश्मीर, आपने देखा होगा 5 अगस्त 2019 के बाद जो कानूनी और आईनी हमारे हकूक थे और जम्मू कश्मीर के लोगों की बैक पे उन हकूक को छीना गया है, अगर उसके हक में किसी ने बेखौफ होकर बात की है बराबर लगातार, वो पीडीपी है और पीडीपी की सरप्रस्त हमारी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती है, ये आप किसी से भी पूछ लीजिए। इसलिए उसके साथ हम किसी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उसके बगैर जब मुफ्ती साहब हुकूमत में आए, हमारे बच्चे बच्चियां जो हजरत बल जाती थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल करने के लिए, आज अनंतनाग में साउथ कैंपस मौजूद है। इसी तरह अगर आप टाउन को देखेंगे, उसको बाईपास करके कैसे टाउन की कंजेशन दूर करने के लिए कोशिशें की गई। देखिए हर एक्शन में रिएक्शन होता है, हर एक्शन में रिएक्शन होता है। तो मगर कोई इस बात, कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि मुझे इस बात का भी फख्र है और भरोसा है, एतमाद है कि हम अक्सरियत हासिल करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने एक्सक्लूसिवली विनेबिलिटी क्राइटेरिया रखा। जो हमारे पास कैंडिडेट थे उनमें सिर्फ एक ही क्राइटेरिया रखा कि उन कैंडिडेट्स में विनेबिलिटी पीडीपी के सामने किसकी है, और लोग वो भी देखते हैं कि इन्होंने मेरिट से काम लिया है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है, एतबार है कि अब की बारी साउथ कश्मीर फिर से पीडीपी को वैसे ही अपना गढ़ बनाएगी जैसे पहले। नई पार्टी की
जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस को लेकर पहले मरहले के तहत आज कागजात नामजदगी दाखिल किए गए और अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले पीडीपी के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी जो कि अनंतनाग मेन के लिए कैंडिडेट भी है पार्टी के, उन्होंने यहाँ पर कागजात नामजदगी दाखिल किए और उन्होंने ये आज़म दोहराया कि पीडीपी की साख्त जो है वो काफ़ी मजबूत है और काफ़ी मजबूती और मुस्तकमी के साथ वो मैदान में नजर आएंगे। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि कौन कौन से चेहरे सामने आते हैं और किन किन पार्टियों से वाबस्ता लोग जो हैं वो यहाँ पर फॉर्म भरेंगे और ये बावर किया जा रहा है कि जिस इंतखाबी जंग में एक अच्छा खासा मुकाबला जो है वो एक्सपेक्टेड है, वो मुतवक्के है। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी।